भाई का मतलब तार देता है, महत का मतलब बड़ा, बड़े से बड़े भाई से इसको तार देगा जो गीता पढ़ेगा, जो इस धर्म के रास्ते पे चलेगा वो बड़े से बड़े भाई, जो आपके जीवन में फियर है, जो डर है, जो दुख है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, खत्म। तो एफर्ट को बनाओ, गोल रखो, लक्ष्य। मैं जाते नगर आपने पढ़ा है, जितने बच्चे जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं, जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, ज्यादातर उन्होंने ये लिखा है। मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरी आदत में यार, मैं मैनेजमेंट भी जब कर रहा था तो मैं ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी ज्यादा पढ़ता था मैनेजमेंट बुक से। मैंने कहा मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहता हूँ कि ये क्या है, तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा, एफर्ट को अपना क्या बनाइए, फ्रूट। उसका मतलब यू एंजॉइंग एवरी स्टेप, यू आर नॉट वेटिंग फॉर दी गोल। गोल को गोल रखिए, एफर्ट को क्या बनाइए, तो उसका मतलब क्या होगा, यू आर एवरी टाइम इन व्हाट मूड, हैप्पी मूड एवरी टाइम। नाउ मेटीरियल नेचर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री रोप्स विच बाइंड अस। These ropes are known as guna in Sanskrit. इन रस्सियों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ये तीन होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज साइंस ने भी एग्री किया है, I have read an article where it is stated by biochemist and states that what you eat, जो आप खाते हो, मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आप खाते हो उसका शरीर और मन पे दोनों पे असर होता है, शरीर पे भी होता है और मन पे भी होता है। परंतु हमने आज तक एनालाइज उनको नहीं पता लगा कि क्या खाने से क्या असर होता है, परंतु हमारे शास्त्र बताते हैं क्या खाने से क्या असर होता है। वो डिवाइड किया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब खाने की बात हटा दीजिए, क्योंकि हर इंद्रिय का अपना आहार है, क्या है, कान का आहार सुनना, आंख का आहार देखना, नाक का आहार सूंघना, जीभ का आहार बोलना और चखना, तो ये सबके आहार है। नाउ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या है, तमोगुण में क्या होता है, मैं सिंपल शॉर्ट आप चाहते हो ना, गीता को भी लोग शॉर्टकट चाहते हैं तो सुनिए ध्यान। तमोगुण में क्या होता है, आप गलत को सही समझते हो, सही को गलत समझते हो, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म, ये तमोगुण है। आलस्य प्रधान होता है, ड्रग एडिक्ट, एल्कोहल, ये सब चक्कर में आदमी क्या होता है, तमोगुण के अंदर लेजी। रजोगुण के अंदर पैशन, उसमें कंफ्यूज रहता है, पता नहीं रहता सही क्या है और गलत क्या है, और ज्यादातर गिर जाता है तमोगुण के अंदर क्योंकि वो कंफ्यूज ही रहता है। सतोगुण में क्या होता है, पता रहता है सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, दोनों चीजें क्लियर होती है। मेटीरियली भी, स्पिरिचुअली सिर्फ मेटीरियली भी, आप में से कितने तमोगुण में रहना चाहेंगे, हाल बताइए, आप में से कितने रजोगुण में रहना चाहेंगे, आप में से कितने सतोगुण में रहना चाहेंगे, हाल का से नींद भी खत्म हो जाएगी। परंतु प्रभु जी गुण तो क्रिएट होते हैं ना, क्वालिटी क्या होता है, जैसा एसोसिएट करोगे वैसा होगा, राइट? तो इसलिए ये तीन गुण हमें बांध के रखते हैं। बांध का मतलब बद, और व्यक्ति बद कहां होता है, जेल के अंदर, जेल के बाहर, तो हम यहां कहां है, क्लियर हो गया, शास्त्र कहते हैं ये जेल। रोग से पीड़ित होता है व्यक्ति कहां होता है, हॉस्पिटल में। रोग से पीड़ित व्यक्ति कहां होता है, तो दूसरा परिभाषा बताई गई कि ये वर्ल्ड है, ये हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में जाके कोई कहे कि यार मजा करना चाहता हूं, पागल, इलाज करा और हॉस्पिटल से बाहर निकल, डॉक्टर की बात मान, जितना जल्दी हो सके बाहर निकल, जेल के अंदर फर्स्ट क्लास सेल में रह के चक्कर में पड़, क्या कर पड़ोगी, बाहर निकल, फर्स्ट क्लास सेल मिल जाए बहुत अच्छा है। तो ऐसे कार्य कर जेल के अंदर जिसके कारण की फर्स्ट क्लास सेल मिल जाए, और साथ में मेन कार्य क्या होना चाहिए, बाहर निकलने के लिए, फर्स्ट क्लास सेल में रहने के लिए, बाहर निकलने के लिए, दैट शुड बी आवर बेसिक एम, वो हमारा बेसिक एम होना चाहिए। अब ये कैसे करें, इसके लिए ये बद जो है भत्ते क्यों है, अब आते हैं हम सीधा एक पॉइंट पर, कार्य, ठीक है जी। बच्चे को फिर क्या सिखाते हो वेडनेस के बाद, क्या करना चाहिए और क्या, और किस समय, वेन, टाइम, सबसे वैल्यूबल चीज क्या है वर्ल्ड के अंदर, why it just goes and never comes back, because you can't buy it. Why is it most valuable चीज क्या होती है प्रभु जी, जिसको आप खरीद नहीं सकते। चाणक्य पंडित ने कहा है हजारों लाखों सोने के अश्वर्यों से भी जो मिनट निकल गया उसको आप खरीद नहीं सकते, is it right or wrong? तो invaluable चीज से सस्ती खरीदना चाहिए चीज, या बहुत बड़ी चीज खरीदनी चाहिए, but what are we doing, बताइए, है भाई जी, इनवैल्यूएबल चीज से क्या खरीद रहे हैं,
टेम्पररी चीजें, ये आपका लिमिटेड टाइम है। उदाहरण लीजिए, एक घंटे के अंदर आपको बोलता है व्यक्ति कि आप 5,000 रुपए कमा सकते हो, और एक वही व्यक्ति कहता है उसी एक घंटे के अंदर आप 10 करोड़ कमा सकते हो, कौन सा कमाना चाहिए? और हम क्या करते हैं? टाइम उतना ही है, टेम्पररी के चक्कर में फंस गए, टोटली परमानेंट को तो हम जानते ही नहीं है, उसके चक्कर में ही नहीं। पर तो फिर बता रहा हूं, टेम्पररी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि सेकेंडरी हेल्प्स दी प्राइमरी, सेकेंडरी हेल्प्स दी, बट हाउ टू डू दी सेकेंडरी एक्टिविटीज जो कि हेल्प करे प्राइमरी में। जैसे कि दांत मांजना बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु कोई होता है दांत ही मांजता है दिन भर। जैसे मैं बीफामा कर रहा था प्रभु जी, तो एक महाराष्ट्र से था और इंदौर के अंदर, तो पता लगा क्लास ही मिस कर जाता था बदमाश, वो तपकीर होती है प्रभु जी, क्या कहते हैं उसको, टोबैको लगा रहेगा। मैं तो कर क्या रहा है, दांत मांज रहा, अभी मैंने दांत नहीं मांजे तो दांत ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि इज वेस्टिंग इस टाइम। एक्चुअली दांत मांजने का काम क्या है, मुंह साफ रहे, दांत खराब नहीं हो, जिसके कारण कि हमें टाइम बचे, राइट? इज इट राइट और नॉट? इट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी, इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इन द सेम वे बॉडी की एक्टिविटीज आर सेकेंडरी एक्टिविटीज, बट दे आर नॉट टू बी थ्रोन अवे, दे हैव टू बी यूज्ड फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटी। अब आते हम वेन को, तो मैंने बता दिया आपको वेन का, एक चीज और समझ लीजिएगा, इस होल वर्ल्ड के अंदर ब्रह्मा जी की भी उम्र है, ब्रह्मा जी की भी उम्र है, टाइम फैक्टर बड़ा अलग अलग है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां से वहां तक उस दीवार तक जाने में कितने स्टेप लगेंगे? बोलिए। पंद्रह बीस ना, उसकी स्पीड भी हो, स्टेप्स तो वही रहेंगे ना, स्पीड में बहुत तेज भाग जाए स्कूल के वहां तक, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, स्पीड नहीं, मैं टाइम नहीं पूछ रहा ना, मैं स्टेप पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी स्टेप्स? 15-20 स्टेप। क्यों झूठ बोलते हो, मैं तो चींटी के बारे में पूछ रहा था। नो इट डज नॉट, इट इज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू वॉक अक्रॉस, एंड दैट इज एंट, इफ इट्स एन एंट एंड इट इज अ जिराफ। हां जी, आपने किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कौन, उसका मतलब ये डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं हुआ, परंतु टाइम उसका स्टेप्स तो चेंज हो गए। इसी तरीके से ब्रह्मा जी की भी 100 साल की उम्र है, परंतु हमारे 100 साल नहीं, उनके 100 साल। इसको कभी फिर मैं किसी और क्लास में इस पे और डिटेल में डील कर दूंगा आपसे। उनका 100 साल इज एक्चुअली, आप समझिए, बड़ा फास्ट बोलूंगा, एक चतुर्युग इज कंस्टिट्यूट ऑफ 4 युगास, कलयुग इज 4,32,000 ईयर्स, इसका डबल इज द्वापर, इसका ट्रिपल इज त्रेता, और इसका 4 times सतयुग, दैट इज इक्वल टू 43 लाख ईयर्स। कहते प्रभु जी, ऐसे 1,000 चतुर्युगों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं, कितने? और ऐसी 12 घंटे की रात होती है, और ऐसे 365 दिन का एक साल होता है, ऐसे 100 साल की उसकी उम्र है। ये आप लोग क्या बात कर रहे हो, ये वही बात है, कई जानवर होते हैं कीट जो सुबह जीते हैं और शाम को मर जाते हैं, जवान भी हो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बुढ़ापा भी आता है, मर जाते हैं। उनमें से एक कीट ने आके बोला, हमारी जो पूरी 100 साल की उम्र है ना, वो इन मनुष्यों की 12 घंटे है, तो भी हंसते सब ऐसे, मैं पागल नहीं, कैसे नहीं हो सकता। हम हर चीज को अपने हिसाब से देखते हैं, कमाल हो गया। गीता कह रही है, जब वो एक पलक लेते हैं ना, तो 1,000 बार 100 साल की जिंदगी देख जी के मर जाते हैं। मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं चैंटिंग कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा एक गई पिछले जन्म में, पता नहीं एक और गई होगी, उससे पिछले जन्म में और मरी होंगी, मैं मतलब आई क्या चक्कर है, आते जाते रहते हैं। और मैंने कहा ब्रह्मा जी के अगर मैं हिसाब से बैठ जाऊँ कहीं, तो एक बार पलक झपके तो पता लगा मैं 100 बार 1,000 बार पैदा होकर मर जाता हूँ, हर बार 100 साल की जिंदगी जीता हूँ। मैंने कहा क्या ये लाइफ है, क्या है मैं क्या कर रहा हूं? ये उसी तरीके से है कि मुझे कोई व्यक्ति कहता है सुबह दुकान खोलेगा, शाम तक दुकान में तू 10,000 करोड़ रुपए कमाएगा, परंतु शाम को तेरा सारा पैसा लेके कुछ चला जाएगा, ऐसा दुकान करोगे? हमारे जीवन में यही होता है प्रभु जी, पूरे जिंदगी करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ के सब कुछ चले जाते हैं, एक चीज साथ नहीं ले आ सकते, और बुद्ध भी बनता तो बुद्ध के ऊपर कबूतर फंस कर स्वर्ग खोलते हैं। किसने देखा बुद्ध? हू सीन द बुद्ध? यू हैव गॉन, यू हैव फिनिश्ड, दैट बॉडी इज फिनिश्ड। अब इसीलिए अब आते हैं कार्य, अब आते हैं क्या करना चाहिए, राइट? 3 टाइप के कार्य बताए गए हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। यही एक को कहते हैं कर्म,
जिसको कि आप कहते हो पायस एक्टिविटी पुण्य, एक होता है विकर्म जिसको आप कहते हो पाप, और एक होता है अकर्म जो पाप और पुण्य से परे है। कर्म पुण्य शरीर से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? जब आप किसी के लिए उपकार करते हो तो वो क्या है? पुण्य। परंतु कोई भी चीज एकदम टोटल पुण्य नहीं है, जगत के अंदर सब पाप के साथ जुड़ी हुई है। उदाहरण, एक गरीब व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति, जैसे किसने बुलाया था जो भूखा व्यक्ति है उसको खिलाना कितना अच्छा है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वो भूखा क्यों है? वाई? अब ये चीज, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू गो बैक। वो व्यक्ति सोल है, क्या है वो व्यक्ति? क्या है? सोल है, आत्मा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझा दूं, मेरे दिमाग से निकल गया था वो, कि सोल जो है इज कवर्ड बाय टू बॉडीज। ये सोल है, देखिए, ठीक है, बिकॉज सोल इज अ फॉर्म, बाइबल।